Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Senator Mushahidullah Khan sahab ko Allah Taala Jannatul Firdaus mein jagah ata farmaye aur unki family ko unki party ke qareebi jo unke saathi hain unko aur jo unke baaki chahne wale hain unko sabre jameel ata farmaye. 3 saal hi unke saath saath raha senate ke andar aur jab jab wo wahan se speech karte the to yahan se hamari party ki taraf se hum log baat karte the तो एक अच्छी डिबेट्स का आपस में मुकाबला भी होता था, काफ़ी ऊंच नीच भी होती थी. जाहिर है उनका एक तर्ज बयान था जो कईयों को उनकी पार्टी के लोगों को पसंद था, कईयों को नहीं भी पसंद था. लेकिन जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसे आप उसके लिए दुआ करते हैं, मगफरत की दुआ करते हैं और तलखियों को और पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस होते हैं उनको भुला देते हैं. तो इसलिए आज उनकी कमी महसूस होगी और आइंदा भी होगी, क्योंकि एक हाउस के अंदर एक बहस मुबाहसे का, शेर व शायरी का एक माहौल सा बन जाता था. तो जाहिर है उनकी कमी महसूस होगी. अबर बरसा ना हवा तेज चली है अब के, कितनी वीरान तेरी यादों की गली है अब के. उनकी फैमिली को, ख़ास तौर पे उनके बेटे को अल्लाह ताला जो है सब्र जमील अता फरमाए. और एक मुख्तसर साथ था उनके साथ 3 साल यहाँ सेनेट में. और कई बार राजा जफरुल हक साहब ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे एहसन तरीके से मामलात को निपटाने में किरदार अदा किया था. लेकिन उनकी तरफ से भी जो चीज़ होती थी वो लगता यही था कि वो थोड़ी देर के लिए ही है. और कई मौके पे बड़ी आर्गुमेंट जो है काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे चला गया. लेकिन ख़ास तौर पे राजा जफरुल हक साहब ने बहुत ही क्लीदी उसमें हमेशा किरदार अदा किया. तो बस यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, उनकी बख्शिश करे और उनकी ख़ानदान को, अजीज़ व अकारब को सब्र जमील अता फरमाए. बहुत बहुत शुक्रिया. सेनेटर कामरान माइकल.